शांति सत्यम शिवम सुंदरम सत्चित आनंद स्वरूप सत्श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 17 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मनुष्य के जीवन की कीमत उसके वैल्यू सिस्टम पर निर्भर करती है। दुनिया में हर व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम या मूल्य प्रणाली कहो भिन्न भिन्न है। कोई धन को वैल्यू देता है तो उसके पीछे ही भागा रहता है, कोई भोगों को वैल्यू देता है, कोई संबंधों को वैल्यू देता है, कोई धर्मों को वैल्यू देता है, तो कोई बाहर का जो स्टेटस है, नेम फेम, उसको वैल्यू देता है और उसी के हित वो पुरुषार्थ भी करता है। परंतु कोई विरला है जो परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को वैल्यू देकर उसे जीवन में धारण करता है और उन वैल्यूओं को धारण करके अपने जीवन को वैल्यूएबल बना लेता है। उनका जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। वो परम पिता परमात्मा धर्म ग्लानी के समय अवतरित होकर उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना करते हैं, जिससे संसार में वैल्यू बेस्ड सतयुग या गोल्डन एज की स्थापना हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक श्वास बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हारा एक एक वचन भी बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हारा हर कर्म जो अन्य आत्माओं को सुख शांति प्रदान करता है, वह हर कर्म पुण्य कर्म बन जाता है, श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। ऐसी आत्माओं का जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाता है। तुम्हें स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाला सद्गुरु शिव, वो परमपिता परमात्मा, उसे हर पल याद करना है। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। आगे बाबा ने ये कहा कि अगर तुमने किसी भी आत्मा को दुख दिया, चाहे वो मन से, वचन से, कर्म से क्यों ना हो, तो तुम्हारा कर्मों का जो रजिस्टर है वो खराब हो जाता है। दुख देने वाली आत्माओं के जीवन में दुख का प्रवेश मौन में ही आ जाता है, जीवन में प्रवेश कर जाता है। तुम बच्चों को शिव बाबा की समान सबको सुख देना है। तुम्हें देवत्व की प्राप्ति के लिए बड़ी सावधानी रखनी है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपनी चेकिंग करनी है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना, लेकिन सर्व आत्माओं को सुख देना होगा। मन, वचन, कर्म से पावन बनना होगा। इतना ही नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए
तुम्हें व्यवहार में बहुत ही न्यारा प्यारा और मीठा बनना होगा। इस दुनिया में सच्चा रूहानी प्यार तो कहीं भी नहीं मिलता है, और आजकल तो सर्व स्वार्थ के रिश्ते बन गए हैं, सभी मोहग्रस्त हैं। योगी आत्माओं के हृदय में रूहानी प्यार होता है, पर देह का आकर्षण नहीं होता। आत्मिक एवं परमात्मिक प्यार से आत्माएं नष्टो मोहा बन जाती हैं। यही एक विधि है, और फिर उनके जीवन में सच्चे प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, और वो भी किसी एक के प्रति नहीं, समूची मानवता के लिए वो प्रेम भाव जागृत हो जाता है। बाबा ने ये भी कहा कि स्पिरिचुअल सर्विस करते हुए तुम्हें कभी भी थकना नहीं है, उदास नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमाई है, इसलिए अथक बनना है। आप सभी ने तो घर घर में स्पिरिचुअल नेचर क्योर सेंटर या हॉस्पिटल खोलने हैं और प्रभु स्मृति की दवाई देनी है, दुआओं की दवाई देनी है, शुभ भावना शुभकामना की दवाई देनी है, उन्हें ज्ञान मार्ग की सच्ची दवाई देनी है, प्रभु पिता से उनका मिलन करा देने वाली दवाई देनी है, जिससे उनका तन मन धन और जो संबंधित हैं, उनसे मिलने वाले जो त्रिविध ताप हैं, जो आदि व्याधि उपाधि है, उन सब का निवारण हो जाएगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के पास अपने मन बुद्धि को स्थिर करते हुए अपना तन मन धन सभी परिवर्तित कर देना है। सभी को ये मैसेज देना है, ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल परिवेश बदल कर चलना अपने दे, ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, उलझन में उलझता रहन जाए अनमोल कहीं जीवन, आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन, वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष, ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या, आँखों में बसा फिर से है जो स्वर्ग सुहाना था, पावन बनो योगी बनो गूंजे मधुर संदेश, ए आत्माओ
सुन लो वो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल परिवेश बदल कर चलना अपने दे, ए आत्माओ सुन लो वो शिव का ये शुभ संदेश। आज का वरदान है प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाओ मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बाबा कहते हैं ये लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर हम सेवा के लिए हैं। आप जहां भी रहते हैं बस अपने मन में ये सोच लीजिए, अपनी वृत्ति ऐसी बना लीजिए कि मेरा घर नहीं है, ये बाबा का घर है। हमने सेवार्थ बाबा को समर्पित कर दिया है, खुद को भी और खुद की ये सो कॉल्ड प्रवृत्ति भी। प्रवृत्ति का अर्थ ही है पर प्लस वृत्ति, पर वृत्ति में रहने वाले, अर्थात किसी भी वस्तु में मेरापन नहीं, सब कुछ बाबा का है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को सौंप देना है और ट्रस्टी हो जाना है। ऐसे बन जाए, ऐसी हमारी साधना हो जाए कि कोई भी आए तो वो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में न लगाव हो न झुकाव हो और वातावरण लौकिक ना हो घर का लेकिन अलौकिक हो, उसके लिए हमारा आचार विचार व्यवहार वो सब अलौकिक होना चाहिए। हमारा कहना और करना समान हो तब नंबर वन मिलेगा। हम सभी चाहते हैं हम प्रभु के पास दिल तक तनिशेन बने, नंबर वन में चले जाएं, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज का स्लोगन है सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। एक होती है परिस्थिति, दूसरी होती है मनःस्थिति। यदि मनःस्थिति शक्तिशाली होगी, शांत होगी, शीतल होगी, ईश्वरीय याद से भरपूर होगी, ईश्वरीय खजानों से संपन्न होगी और संतुष्ट होगी तो परिस्थितियां आएंगी। ये नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन चली जाएंगी, पास से गुजर जाएंगी, रुकेंगी नहीं। हर परिस्थिति अनुभवों के मोती और हीरे जवाहरा देकर जाएगी। जिनकी मनःस्थिति श्रेष्ठ है वह तो तूफान को भी तोहफा बना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी पाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।